अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे उर्दू। जी, आज हमारी है उर्दू की क्लास। तो आज मैं आपको एक नए हर्फ से मिलाऊंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले अपनी उर्दू प्रियर थ्री की किताब निकाल लें और सफ़ा नंबर खोल लें 90। जल्दी से शाबाश, सब अपनी अपनी किताबें निकाल लें और सफ़ा नंबर 90 भी खोल लें। यहाँ पर मेरे पास आ गया है सफ़ा, ठीक है बच्चों। हम सबसे पहले तस्वीरी हिदायत देख लेते हैं कि हमारे पास तस्वीरी हिदायत कौन कौन सी हैं। तो पहली तस्वीरी हिदायत है, पेंसिल फेरिए, लिखिए और आपने तारीख की जगह पे आज की तारीख लिखनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर नीचे आपको एक हर्फ दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये मुझे कुछ कुछ पत्ते की शक्ल का लग रहा है। जी, जैसे पत्ता होता है ना, वैसे ही बना हुआ है ना। और इसमें दो और छोटे छोटे पत्ते भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दो छोटे छोटे पत्ते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं और लिख भी चुके हैं। आपको कुछ याद है कि ये हमने कहाँ लिखे थे? चलिए मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हमने लिखे थे तो और ज में, ठीक है। ये जो हमने दो छोटे छोटे पत्ते हैं, हम ये पहले भी तो और ज में लिख चुके हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो बड़ा पत्ता है, पत्ते की शक्ल का है, हम इसे कहते क्या हैं? हम इसे कहते हैं दो चश्मी है। क्या कहते हैं बच्चों? मेरे साथ दोहराइए, दो चश्मी है कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये तो दो चश्मी है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको इसकी आवाज़ तो नहीं बताई। जैसे और भी बाकी हर्फ होते हैं, मैं आपको उनकी आवाज़ें बताती हूँ, लेकिन ये जो दो चश्मी है इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी से दोस्ती कर ले, ठीक है, अगर ये किसी से दोस्ती कर लेती है, किसी और हर्फ से दोस्ती कर लेती है, तो इसकी आवाज़ भी बन जाती है और लफ्ज़ भी बन जाता है, लेकिन इसकी खुद अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है और ना ही इससे कोई लफ्ज़ शुरू होता है, ठीक है बच्चों। आपने ये याद रखना है, जहाँ पर आप दो इस तरह का कोई पत्ते की शक्ल का हर्फ देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, दो चश्मी है, ठीक है। आज हम सिर्फ ये वाला सफ़ा पढ़ेंगे, वो इसलिए ताकि ये अच्छी तरह आपको याद हो जाए, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि दो चश्मी है जब किसी से दोस्ती करती है तो आवाज़ भी बना लेती है और लफ्ज़ भी बना लेती है, लेकिन ये किन किन हर्फ से दोस्ती करती है ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आज हम सिर्फ ये वाला सफ़ा पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से ये याद हो जाए। अब मैंने आपको बता तो दिया है कि दो चश्मी है होती क्या है। अब आपने क्या करना है, तस्वीरी हिदायत के मुताबिक आपने पेंसिल फेरनी है। आप पेंसिल कहाँ फेरेंगे? नीचे कुछ लाइनें दी हुई हैं और उनमें कुछ नुक्तों वाले दो चश्मी हैं, आपने उस पर हाथ फेरना है। सफाई से हाथ फेरेंगे, ठीक है, और उसके नीचे कुछ नुक्ते दिए हुए हैं जिसमें आपको खुद से दो चश्मी है लिखना भी है, ठीक है बच्चों। सफाई से हाथ फेरेंगे और ख़ुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप जो हम आगे जो और सफ़े करेंगे आपको उसमें, ताकि मुश्किल ना हो लिखने में। और आपने ये याद रखना है कि इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। ये दूसरे हर्फ से मिलकर लफ्ज़ भी बनाती है और अपनी आवाज़ भी बनाती है, ठीक है बच्चों। जब आप ये पेंसिल फेर लेंगे दो चश्मी है पे और ख़ुद से लिख भी लेंगे, तो ये सफ़ा आप अपनी अम्मी या अपनी टीचर को दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।